हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे जैसे कि राम राम। तो अभी हम आए कहाँ पे, जहाँ पे कृष्ण भगवान के तील लगा था। हम वहाँ पे अभी ये है वो जगह जहाँ पे कृष्ण भगवान को तील लगा था। अभी अंदर जाएंगे और इधर ही पास ये शिवलिंग बड़ा सा, ये भी कोई मंदिर ही है ये वाला, है ना। अभी चलते अपन इसके अंदर। अभी हम ले रहे हैं शंख ले रहा है जतिन, उसको शंख चाहिए तो शंख लेना चाहता है। ये कल से पीछे पड़ रहा है। यहाँ पे लगा था कान्हा जी को तीर। कहाँ पे लगा था, किधर? अच्छा, ये हिंदी में भी लिखा है, पढ़ सकता हूँ। लग के पढ़ के सुना सबको। प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। कथानक अनुसार मध्य पान से सूर यादवों का परिसर कलह में संघार हुआ। इससे भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नामक यादव्यास शिकारी ने उनको तीर मारकर कृष्ण के दाहिने पांव के तले में लगा दिया। जब याद ने अपने शिकार के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि उसका शिकार एक मृग नहीं परंतु एक यादव पीताम्बरी पुरुषोत्तम थे। यह भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उसको आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ है। ऐसा कहकर व्यास को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करके निज धाम प्रस्थान किया। यहाँ व्यास ने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा, इसलिए ये स्थान को भाल का तीर्थ कहा जाता है। वाह, तो ये यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना सब। ये यहाँ की हिस्ट्री, ये रहा मंदिर, यहाँ है बहुत सारे बच्चे, भजन, और इधर है मंदिर, और इधर है शायद वो पेड़ जहाँ, हाँ अच्छा माँ जो का पिए वाला पेड़ है क्या वो? अभी देखता हूँ पेड़ जहाँ पे उन्होंने, मतलब जहाँ पे उनके तेल लगा था उन्होंने, और जो होना था उनकी मर्जी थी कान्हा जी की। ये रहा वो पेड़, यहाँ पे वो पेड़ जहाँ पे उनको तील लगा, ये वाला पेड़ है वो, ये वाला पीपल का पेड़। तो गए इसे देखो, कान्हा जी ऐसे बैठे थे, वैसे तील लगा था उनके, इसी जगह पे लगा था वो तील, ये पीपल का पेड़। नाइस। किसने कहा था? ये बलि को मारा था ना भगवान राम ने, हाँ। तब के वरदान दिया था उन्होंने, बोले जैसे मैंने तुम्हें छुपके मारा है ना ऐसा तुम भी मुझे वैसे ही मारोगे। अच्छा, दूसरे इसमें फिर ये बलि है, ये जो जरा अच्छा ना, ये बलि का है, ये बलि है और ये राम जी के अवतार है ना। तो गाइस देख लिया अपन ने वो पेड़ जहाँ पे हमारे कान्हा जी ने अपना, मतलब समझो यार मस्त हो रहा है डांस। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब जाएंगे हम किसी और मंदिर पे, वहाँ का दिखाते हैं आपको नज़ारे, मिलते हैं आपको दूसरे मंदिर पे। आइए शिवलिंग वाला मंदिर पे आओ, यहाँ पे कान्हा जी को मत झूला झूलाओ, झूला मरो। अंदर बहुत सारी चीजें थी लेकिन वो दिखाने नहीं देते, फोटो वीडियो नहीं बनाने देते। इतना सुंदर था वो भी, देखने में बहुत ही प्यारा था। हम तो देखा है, अगर आप कभी आओ तो यहाँ आना जरूर, बहुत मस्त जगह है। एक ही तो है, अरे वो आते पानी में डूबे हुए रहते हैं, इधर डूब रहे हैं यार। देखो समुद्र वापस, मस्त।
हाँ क्या लगा के आया था भाई मैं तो बाण गंगा। यहाँ पे पांच शिवलिंग है, वैसे एक ही दिख रहा, एक ये रहा, बाकी शायद पानी में, हमें भी नहीं पता। हम जा रहे हैं आगे, चढ़ा देंगे यार भी, अब पानी चढ़ाना अब। क्या कितना सुंदर लगता है समुद्र, आराम से रख रहा हूँ तो समुद्र में डुबकी मार लूँ ऐसा। I feel like Neeraj Bhavana sab udher denge rap ke main don bane sare inko chhed denge naam chale ek number gaadi baje tez bete real raha scene mein aur bande sare fake I feel like daya ho raha hyper kaise fame lenge underground 24 ghante life tode baasha sultan wali dalo wapas kaad dikh rahe na aapko ye sirf security ke liye मतलब सोमनाथ की सिक्योरिटी के लिए। और ये देखो तुम समुद्र यार, लेकिन अलग ही लगता है, कम मस्त लग रहा है, क्या ले रहे हैं, आजू बाजू समुंदर और बीच में रास्ता, मजा आ जाए यार। बॉम्बे में है ना, बॉम्बे में, बॉम्बे में, बॉम्बे में वो पुलिया बना रखी, वहाँ आजू बाजू समुद्र और बीच में रास्ता ही तो है। अरे उधर केरला साइड में कहीं एक जगह, हम नाश्ता कर रहे हैं हमारा, फाइनली हम सबको बहुत ज्यादा भूख लग चुकी है, अब नहीं रुक पाए हम। श्रेणी घाट, अब यहाँ से चलते हैं अंदर, इधर चल लो, किधर से भी चल लो, ये क्यों लेके जाए, वो देखो यहाँ पे होती है बोटिंग वगैरह, मोसी यहाँ होती है बोटिंग, होती है। लक्की कहाँ गई, खा के बताओ, आटा बोल खा के बताओ ब्रो, आटा बोल खा के बताओ। अरे गाइस 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 फंस गए, मगरमच्छ कौन है हम? तो गाइस हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम पे। अब मोसी यहाँ कहाँ कहाँ मिल रही है वो तीन नदियाँ, एक कपिला है और एक कौन सी, मोसी कपिला के अलावा एक कौन सी, एक और थी उसका नाम याद नहीं, क्या पक्षी, और हम सब इनको दाना खिलाने के लिए हाथों पे लेके खड़े, पर कोई आ ही नहीं रहे, आजा बेबीज। अच्छा क्यों आया था अभी, तेरे हाथ पे से गया यहाँ से, आ जाएंगे तुम, उठ लो हाथ, आम तो देखो एक आ ही नहीं रहा, शायद ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो भैया निकाल दो ऐसा पंछी वाला फोटो, कहाँ आ रहा है तुम्हारा पंछी, आ जाओ फोटो निकाल लो, अभी यहाँ आ जाएगा, सो वाला प्लास्टिक ले लो। अरे भैया वो मोबाइल अच्छा है, हम इससे भी चाहिए, थोड़ा हाथ उधर रख, ऊपर रख, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ 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 फोटो खींचते हैं, पर हमने खुद ने वो फोटो खींच लिया जो हमें चाहिए था। फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ और हम जाएंगे अब यहाँ से वो जहाँ पे कृष्ण जी ने दे त्यागी थे, वहाँ जाएंगे, यही होता है ना, जो मैंने अपना शरीर छोड़ा था, हम आ जाएंगे गोलोक धाम तीर्थ, जहाँ पे देह त्यागा था कान्हा जी ने, ये वो जगह है, बस यहीं चलते हैं, चप्पल खोलने पहले यार। गाइस ये ओ प्रभु, ये गीता मंदिर, इस मंदिर में एक गीता जी के पूरे श्लोक लिखे हैं, इस मंदिर में गीता मंदिर है,
वाह बलदेव जी मंदिर जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्यागा था, फिर यहाँ से शेषनाग का उन्होंने अवतार लिया था। तो अभी चलते हैं नीचे, ये रहा। पादुका मंदिर चरण दिख नहीं पा रहे हैं गाइस, क्योंकि इसको फूल बहुत सारे लगा दिए इन्होंने। दर्शन कैसे करें हम, देखो उन्होंने अपना देह त्यागा था, वे एग्जैक्ट जगह है और ये उनकी चरण पादुका है कृष्ण भगवान की, ये वो जगह है। खेलने हैं दो बिल्ला बिल्ली, ये आजा क्यूटी, क्या जा रहे हो तुम? लेडीज वाली आते हैं, मैं जा रहा होगा उसके पीछे पीछे घूम रहा होगा ये, जाने क्या कर रहा हो तू।